हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बगेल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे पेटीएम से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल घर बैठे जमा करवा सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग कैसे पेटीएम से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगी वीडियो। पेटीएम से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो बना रखी हैं, जहाँ मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप लोग मेट्रो का रिचार्ज कर सकते हैं और अपनी ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं। तो ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियो हैं उनको देखें, और आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे करना होता है पेटीएम पर यूज़। इसका ऐड मनी का मैंने बता रखा है कि कैसे पैसे ऐड करें, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं बस सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊँगा कि आप लोग कैसे अपने पेटीएम से इलेक्ट्रिसिटी बिल को भुगतान कर सकते हैं, और अगर आपको कैशबैक लेना है तो कैसे अपना प्रोमो कोड लगाएं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। चलिए फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर आप लोग देखेंगे कि मोबाइल पोस्टपेड ये रिचार्ज किया होगा, ये डीटीएच और ये मेट्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही बनाई गई है। तो यहाँ पर आप लोग अपने ज़िले का जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली बीसीआई, यमुना दिल्ली। तो ये इसमें आपको अपने ज़िले का मिल जाएगा कि आपके वहाँ पर कौन सा बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप लोग यहाँ से देख के इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसमें काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रखे हैं आप लोगों का, जो भी है इसमें से देख लें और इन्हें सेलेक्ट करें। तो मैं जो है आपको, जैसे कि टाटा पावर दिल्ली, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए टाटा पावर DDL आ गया है, और यहाँ पर हमें कह रहा है कि कंज्यूमर नंबर डालना है, जो कि आपको कंज्यूमर नंबर मिल जाएगा 11 डिजिट का। जैसे कि इसमें 11 डिजिट का है, क्या पता आपका कम का हो, तो आप लोग कंज्यूमर नंबर यहाँ पर अपना डालें, अपने आपको अपने बिल पे मिल जाएगा कंज्यूमर नंबर। आप लोगों को बस यहाँ पर लिखना है, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं रिसेंट्स, मतलब कि जो भी मैंने भुगतान पहले किया था, इसलिए रिसेंट्स में आ रहा है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो रिसेंट्स में कुछ नहीं आएगा, ये ब्लैंक आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे साइड में ऑफ़र, तो आप ऑफ़र में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोमो कोड नज़र आते हैं, जहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आप लोग रेट 60 लाख रुपये एंड 26 OnePlus 3 फ़ोन। तो ये ऑफ़र हैं जहाँ पर आप लोग जीत सकते हैं। बिल पे में आपको 100% कैशबैक मिल रहा है, LED में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने पर आपको 125 रुपये मिल रहे हैं, Pay to Win प्रोमो कोड यूज़ करके आपको iPhone 7 मिल रहा है। तो ये सब प्रोमो कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं है तो प्रोमो कोड के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, जहाँ पे मैंने 2 ट्रिक बता रखी हैं कैसे आप लोग कैशबैक ले सकते हैं, तो वो आप लोग देख लें। और यहाँ पर आप लोग जैसे कि पे बिल पे इसको करें, जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी रिसेंट में अभी पे बिल किया था, तो अभी मैं इसको बिल पे कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे बिल पे करेंगे, जैसे ही अपना कंज्यूमर नंबर लिखते हैं तो आपका जो ऑटोमेटिकली पेमेंट जो है उसमें फिल होकर आ जाती है कि इतना आपका भुगतान करना है और किस नाम से ये जो है बिल आता है उसका नाम आ जाता है आपको। ये कुछ इस तरीके से देखेंगे, जैसे कि ये मैंने कंज्यूमर नंबर यहाँ पे लिखा और ये बिल नंबर ये आ गया है कि ये बिल नंबर है आपका और अमाउंट इसमें ऑटोमेटिकली आ गई है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप फास्ट फॉरवर्ड पर ये क्लिक हो रखा है। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड पर क्लिक कर रखा है तो आप लोग प्रोमो कोड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आप फास्ट फॉरवर्ड पर क्लिक करके प्रोसेस टू पे करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी प्रोसेस होके सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। प्रोमो कोड में क्या होता है कि कई बार टाइम लग जाता है, सक्सेसफुल दिखाने में प्रोसेसिंग में ही आता है, वो 1 आवर 2 आवर हो जाता है, और होने में चाहे तो अभी 2 मिनट में भी हो जाएगा अगर प्रोमो कोड भी लगाया है। तो आप लोग इसको हटा दें अगर प्रोमो कोड का यूज़ करना है तो, और यहाँ पे प्रोसेस टू बिल पे करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि और कोई बिल प्रोमो कोड लगाना है तो हैव ए प्रोमो कोड यहाँ पे करके, जैसे कि बिल पे का है तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ बिल पे का क्या है, ये सक्सेसफुल है कि नहीं है, अप्लाई किया तो ये देखिए ये सक्सेसफुल है। इसमें क्या मिल रहा है वो पढ़ लेते हैं ज़रा। इसमें
बिल पे आपको 100% कैशबैक मिलेगा, 24 घंटे में ये बता दिया जाएगा जो भी लक्की विनर होगा। तो यहाँ पर आप लोग इसे प्रोसेस टू पे करके अपना बिल का भुगतान इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। हालांकि मैं इसको बैक कर देता हूँ और यहाँ पे खाली ऐसी करके प्रोसेस टू पे करके इसके क्लिक करने के बाद आपको एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको पेमेंट के लिए कहा जाएगा। दरअसल अगर आपने पेमेंट ऐड कर रखी है तो वो आप इसको अपने वॉलेट से भी काट सकते हैं, नहीं तो आप अपने CVV नंबर, जैसे कि मैंने ये अपना डेबिट कार्ड जो है सेव कर रखा है, इस तरीके से आप लोग भी सेव करके रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मुझे CVV नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा और ये बिल का भुगतान हो जाएगा। आप इसे नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI सिस्टम से भी आप इसका भुगतान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिल का भुगतान जो है नॉर्मली इजी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ मैं आपके लिए ऐसी यूज़फुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।